सो है गाइज, वेलकम टू माय टू फैमिली। सो गाइज, मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ गाइज, आप लोग के लिए ईद का फोटो एडिटिंग के वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइज। आप लोग देखते हैं ईद का कुछ इस टाइप का फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं अपने फोन से। गाइज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके गाइज, आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिट कर सकते हैं बिल्कुल हाई क्वालिटी, एचडी क्वालिटी में। तो आप लोग को क्या करना होगा, वीडियो को आप लोग को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग को प्रॉपर जानकारी होगी, आप लोग प्रॉपर समझ पाएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के, आप लोग को फटाफट सिखाता हूँ आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो फटाफट मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सिंपल अपना फोटो रूम को ओपन कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो अपना नेट भी ऑन कर लेना, फोटो रूम को ओपन इंटरफेस खुल के आएगा, सिंपल से अपने फोटो को चूज कर लेंगे, जो भी फोटो आप लोग एडिट करना चाहते हैं गाइज। तो गाइज मैं कुछ इस टाइप का फोटो अपने मॉडल के अकॉर्डिंग रखना चाहता हूँ गाइज, ठीक है। तो मेरा कुछ इस टाइप का मैंने फोटो शूट कराया था गाइज, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का फोटो शूट करा सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ से अपना बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे गाइज, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद सिंपल से आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा गाइज, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइज, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे गाइज, तो गाइज इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग फोटो को आप लोग अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना अपने फोन में। तो फटाफट से मैं इस फोटो को सेव कर लेना अपने मोबाइल में गाइस, स्क्रीन पे आते हैं और अपना अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं और अपना पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा गाइस, ठीक है। आप लोग को सिंपल से आप लोग क्या करना होगा, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आल फोटो पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। आल फोटो पर क्लिक करने बाद आप लोग ये वाला बैकग्राउंड ले लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये वाला बैकग्राउंड का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट आप लोग देख लो, बैकग्राउंड का लिंक आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से आप लोग क्या करना होगा, सिंपल से आप लोग जाना होगा एड फोटो में, ऐसे फटाफट से एड फोटो में चला जा रहा हूँ, ठीक है। एड फोटो में जाने के बाद सिंपल अपने मॉडल का फोटो लेगा, जो भी आप लोगों ने अभी रेस्ट किया गया, ठीक है। आप लोगों जिसका बैकग्राउंड में किया गया तो उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना कर देने के बाद सिंपल से क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसको यहाँ से फिर से एड फोटो पर क्लिक कर देना होगा। एड फोटो पर क्लिक करने के बाद सिंपल आप लोग क्या करना होगा, आप लोग को ये वाला बैकग्राउंड लेगा, ठीक है। ये वाला आप लोग को PNG लेगा, इसको मैं फटाफट से इसको यहाँ पर PNG को यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ नीचे की तरफ साइड। PNG को मैं नीचे की साइड आप लोग को इसको स्क्रॉल करके इसको जूम करके अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना गाइस, क्योंकि आप लोग को बैकग्राउंड से मैच कराना गाइस, ठीक है। सिंपल से यहाँ से इसको डन कर देना होगा। डन कर देने के बाद सिंपल से आप लोग क्या करना होगा, फिर से जाना होगा एड फोटो में गाइस, ठीक है। एड फोटो में जाने के बाद सिंपल से आप लोग क्या करना होगा, सिंपल से आप लोग ये वाली PNG देंगे, ठीक है। तो मैं ये वाली PSO की PNG आप लोग को दे दूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इजीली जाएंगे। इसको जूम करके आप लोग जाएंगे इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे मल्टीप्लाई गाइस, यहाँ पर लिखा दिखा दूंगा मल्टीप्लाई, इस पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई करके इसको जूम करके और जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे गाइस। मैं इसकी ओपेसिटी को अपने हिसाब से इसको कम कर देगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं अपना फोटो रियलिस्टिक की तरह लगना चाहिए गाइस, ठीक है। सिंपल इसको यहाँ पर डन कर देंगे। सिंपल आप लोग को जाना होगा स्टिकर वाला ऑप्शन पर गाइस, तो आप लोग को ये ये पिक्सआर्ट के अंदर ही आप लोग को स्टिकर का ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिंपल आप लोग सर्च बार पर टाइप कर देना गाइस, यहाँ पर सर्च बार में टाइप आप लोग करना होगा ईद मुबारक, तो मैं फटाफट से ईद मुबारक सर्च कर दूंगा, ठीक है। ईद मुबारक सर्च करने के बाद सिंपल आप लोग को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग सिंपल से ये वाला आप लोग को चूज कर लेना गाइस, ठीक है। आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइस, इसको जूम कर लेंगे गाइस, जूम करने के बाद अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, तो मैं फटाफट इसको अच्छे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद सिंपल फिर से जाना आप लोग को एड फोटो में, एड फोटो में जाना आप लोग सिंपल से ये वाली PNG गाइस, ठीक है। मैं फटाफट से आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कुछ इस टाइप की ये वाली PNG आप लोग ले सकते हैं गाइस। सो गाइस सिंपल से आप लोग को ये वाली PNG लेगा, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ ईद मुबारक गाइस, तो इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको जूम करके अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से एडजस्ट करके और इसकी ओपेसिटी को अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसको मैच करा देंगे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद सिंपल इसको यहाँ पर डन कर देने गाइस, ठीक है। डन करने के बाद सिंपल फिर जाना आप लोग को स्टिकर वाला ऑप्शन पर और आप लोग को वही सर्च कर लेना गाइस, ठीक है। ईद मुबारक सर्च करने के बाद आप लोग के पास ये वाली PNG है गाइस, ठीक है। आप लोग ये वाली PNG ले सकते हैं गाइस, ये वाली चांद वाली PNG, ठीक है गाइस। चांद वाली PNG लेने के बाद कुछ थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नेट बहुत वीक चल रहा है गाइस। तो इतना करने के बाद सिंपल इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको जूम करके अच्छे से यहाँ पर कसके अच्छे से एडजस्ट कर और इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देंगे गाइस, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको अच्छे से करके इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देंगे गाइस, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल इसको डन कर देना होगा गाइस। डन करने के बाद सिंपल से यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड कर लेना अपने गैलरी में, गैलरी में डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना गाइस, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सिंपल आप लोग क्या करना, रैमली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। तो आप लोग को रैमली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना गाइस, क्योंकि आप लोग इससे अपने फोटो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग को इसको जरूर डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओ हेलो गाइस, यहां से क्या करना आप लोग को गाइस, यहाँ आप लोग को अपना ऐड को वॉच कर लेना पड़ेगा थोड़ा सा गाइस, ठीक है। ऐड को वॉच करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ पर सेकंड दिखाई देगा, आप लोग को सेकंड का वेट कर लेना होगा। सेकंड का वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको यहाँ कैंसिल करके आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है गाइस, आप लोग दिखा दे रहा हूँ करके, आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरा फेस भी स्मूथ हो चुका है और कलर भी एडजस्ट हो चुका है अपने अकॉर्डिंग गाइस, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई गई। अगर आप पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी मैं PNG यूज़ करूँगा अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूँगा, आप लोग जाकर इजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।